समुद्र के रास्ते भारत में दाखिल हो रहे बांग्लादेशी, ओडिशा सरकार लेगी बड़ा एक्शन। अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों पर एक्शन। बांग्लादेश में इन दिनों राजनीतिक उथल पुथल का दौर जारी है। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ने के बाद बड़ी संख्या में हिंदू भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर पर हजारों की संख्या में बांग्लादेशी हिंदू जमा हो रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि बांग्लादेशी समुद्र के रास्ते भारत में कई हिंदू प्रवेश कर सकते हैं। इस पर ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा के बाद बांग्लादेशियों के समुद्र मार्ग से तटीय राज्य में दाखिल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। उसके बाद उन्होंने आगे की कार्रवाई पर बात की। हरिचंदन ने कहा कि ओडिशा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें जल्द ही उनके देश भेजा जाएगा। पुलिस का कहना है कि भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और ओडिशा समुद्री पुलिस बांग्लादेश से सटी 480 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा पर त्रिस्तरीय सुरक्षा बनाए हुए हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच बांग्लादेशियों के समुद्र मार्ग से ओडिशा में दाखिल होने की संभावनाओं पर भी उन्होंने पत्रकारों को जवाब दिया। हरिचंदन ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने तटरक्षक बल और ओडिशा समुद्री पुलिस को इस तरह की कोशिशों को नाकाम करने के लिए समुद्री तट पर गश्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रमों के बाद इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई। कुछ बांग्लादेशी लंबे समय से ओडिशा में रह रहे हैं। राज्य सरकार उनके दस्तावेज, मसलन वीजा और वर्क परमिट या राज्य में रहने वाले किसी अन्य वैध कारण का सत्यापन करेगी। सत्यापन के बाद अवैध घुसपैठियों को उनके देश भेज दिया जाएगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ओडिशा के 7 जिलों में कुल 3,740 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान हुई। इनमें से 1,649 केंद्रपाड़ा में, 1,112 जगत सिंहपुर में और 655 मलकानगिरी में अवैध रूप से रह रहे हैं। तो इस तरह से ओडिशा के कानून मंत्री ने साफ किया है कि हमारी सेना पूरी तरह मुस्तैद है। गश्त के लिए भी उन्हें कह दिया गया है और अगर इस तरह का कोई भी अवैध घुसपैठ का काम होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ओडिशा में पहले से रह रहे बांग्लादेशियों की भी पहचान करके उन्हें उनके देश भेज दिया जाएगा। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है, जैसे ही कोई बड़ा अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।